नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। पूर्णिया में दूसरे चरण का समापन होने के बाद पप्पू यादव ने आज पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने इस बीच यूपी का भ्रमण किया और देखा कि मोदी बुरी तरह से हारने वाले हैं अपने सीट से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन को बिहार में हमारा सपोर्ट तन मन धन से रहेगा और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य एवं सीपीएम के प्रत्याशी को जिताने का काम हम करेंगे। आगे सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। जरूरत महसूस होगा तो पप्पू यादव भी पार्टी को उठा जाए। मीसा जी को मैंने आश्वस्त किया, मेरी जहां जरूरत हो कि आप चुनाव जीते, तन मन धन सभी चीज से मैं आपके साथ। एनडीए गठबंधन को हराएगा जहानाबाद में हम लोग के साथी से विचार कर वहां खड़े रहेंगे। आज मुनीलाल जी और अरुण जी वहां के कॉमन और लोकल वहां की कैंडिडेट हैं, इसीलिए हमने ऐसी बात आज आपसे। इंडिया कैंप ना जीते इसके लिए ये निर्णय है। सिवान का निर्णय मेरा पारिवारिक निर्णय है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिवान साबुनी दिशा के परिवार के साथ खड़ा। हमारे सारे लोग वहाँ साबुदीन साहब न्याय के लिए खड़े हैं और हमारे सभी बिहार के साथी वहाँ जाएंगे और हर कीमत पर हमारे नेता वहाँ कैंप करेंगे। हमारे प्रेमचंद सिंह जी भी राष्ट्रीय महासचिव जो थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सब लोग सिवान जाएंगे 20 तारीख के बाद, कल के बाद, और पूरी ताकत के साथ वहां हमारे नेता खड़े हैं। हमारी जब जरूरत महसूस होगी हमारे नेताओं को तो मैं भी सिवान। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और पटना के सारे साथी यहां आए हैं और छपड़ा के भी मेरे को 3 बार मुखिया रहे अध्यक्ष दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहां मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आहत ना हो, और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते। हमारे पाटलिपुत्र के अध्यक्ष, हमारे साथी जेपी जी पटना पश्चिम पूर्व के दोनों अध्यक्ष, जहां एक तरफ कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं, कल हम लोग पूरे साथियों के साथ हम लोग मूव करेंगे।